बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जो है ये घोषणा किया गया कब आएगा रिजल्ट। अभी जो कॉपी चेकिंग हो रहा है, आपको बता दें कि अनुमान लगाया जा रहा है कि होली से पहले भी रिजल्ट आएगा। पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे कब किस वक्त रिजल्ट आएगा, कब जारी होगा, किस समय जारी होगा, पूरा डिटेल में हम लोग जानने वाले। सभी स्टूडेंट ना यह इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सके, और ये भी बता दे कि आपको बिहार बोर्ड का पर्पल का अपडेट यहाँ सबसे पहले आपको मिलेगा। इसलिए चैनल को, जो भी न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए आपको बता दे कि यहाँ पर जो है ना न्यू लिंक से एक्टिव कैसे डाउनलोड करना, कब तक आएगा रिजल्ट, आपको जो है कब डाउनलोड करना है ये पूरा डिटेल में आपको बताने वाले। 12th का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताने वाले। इसलिए एक बार वीडियो को जमकर सभी स्टूडेंट सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दो, जो लाइक नहीं किए लाइक कर दो, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि आपको पल पल का अपडेट सबसे पहले यहाँ पर मिल सके। चलिए आपको ले चलते डायरेक्ट जो है गूगल पे ले जाना है। कहाँ पर जाना है आपको, डायरेक्ट जो है गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है। गूगल के क्रोम ब्राउजर में आना और यहाँ पर टाइप कर लेना बिहार सेंटर। क्या टाइप करिएगा, सर्च करिएगा बिहार सेंटर। चलिए हम करके बता देते हैं, आपको बिहार सेंटर सर्च करना है। जैसे ही बिहार सेंटर आप लोग सर्च करिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आप पूछने आपको यहाँ पर जो है ना बिहार सेंटर का स्पेलिंग देख लो, और यहाँ पर हिंदी में बिहार सेंटर लिखा हुआ है, इस पे आपको डायरेक्टली क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का अगर इंटरफेस खुलता है तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या करना है, पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि आपका जो है ना कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा होगा, लेटेस्ट अपडेट और यहाँ पर जो है रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड वाला सेक्शन। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट जो है लेटेस्ट अपडेट या एडमिट कार्ड वाला किसी में भी अभी आपको क्लिक करना है। जैसे हम चलते हैं रिजल्ट एडमिट कार्ड वाले सेक्शन, इस पे जैसे क्लिक करिए ऊपर में ही आपको दिया गया इस तरह का यहां पर जो है नीतीश कुमार खड़े हुए हैं, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। समझ गए, इस पे जैसे आप लोग क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। और यहां पर इसी पोस्ट में आपको दिया गया कब आएगा रिजल्ट कैसे, आप लोग भी जाकर सर्च कर लीजिए बिहार सेंटर। क्या सर्च करिएगा, बिहार सेंटर, बी आई एच आर बिहार सेंटर, सी ई एन TER सेंटर सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, और खुद से पूरे पोस्ट को पढ़ लीजिएगा कैसे क्या करना है, पूरा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको जैसे कि दिया गया है 23 से 2021 से 23 का सेशन चला था, वो कुछ वगैरह वगैरह दिया गया है। नीचे आइएगा, ये सब इंतजार का घड़ी, 25 से 30 दिन में बिहार बोर्ड रिजल्ट होता है, सबको पता है, वो दिया गया है। यहाँ पर किस प्रकार रिजल्ट जारी होगा यहाँ पर ये भी दिया गया, आप लोग आराम से आकर यहाँ पर चेक कर आउट कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार बोर्ड परीक्षा जो है कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। वह इस बार के एग्जाम में 29 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से मैट्रिक की छात्र कम से कम 16,20,530 छात्र हैं, और इंटर वाले छात्र जो है 13,18,729 छात्र शामिल हुए थे। आपको जो है ना बिहार बोर्ड के हर अपडेट की जानकारी चाहिए तो गूगल पे सर्च करते रहिए बिहार सेंटर .com। यहाँ पर बिहार बोर्ड का हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगा, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आएगा कि हाउ टू चेक बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट, आप बिहार बोर्ड का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ दिया गया, सबसे पहले पेज को रिफ्रेश करना, नीचे लिंक पे क्लिक करना, रोल नंबर रोल कोड कैप्चा डालना, सबमिट पे करके अपना डाउनलोड करना है, अगर ये दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको जो है दिया गया यहाँ पर डाउनलोड 12th रिजल्ट 2023, तीन लिंक दिया गया, लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3। किसी भी जब भी रिजल्ट जारी होगा सबसे पहले यहाँ पर जो है रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की बौखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्ट आइएगा और उससे डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार का लिंक खुल कर आ जाएगा। इस प्रकार का ओपन होता है तो एक बार यहाँ पर जो अंदर में पेज को रिफ्रेश जरूर करिएगा ताकि आपका जो लिंक काम करेगा। यहाँ पर क्लिक करके पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा और नीचे यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर जो है आपको रोल कोड डालना होगा, रोल नंबर डालना होगा, कैप्चा डालिएगा, व्यू पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेगा आपके सामने जो है रिजल्ट आपका ओपन होकर डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर से। समझ गए कैसे क्या करना है, आपको पूरा जानकारी मिल गया, कब रिजल्ट जारी होने वाला है ये भी आपको जानकारी मिल गया। यहाँ पर जो है सिंपली बिहार सेंटर सर्च करके जो है आपको जानकारी प्राप्त करना है, और नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, यहाँ पर हिंदी में बिहार सेंटर है, इस पे डायरेक्ट क्लिक करना है। ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है लेटेस्ट अपडेट या रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड वाला सेक्शन। ऊपर में ही आपको दिया गया नीतीश कुमार जो है वह न्यू लिंक एक्टिव कर रहे हैं, नीचे स्क्रॉल करके आइएगा। और यहाँ पर जो हम पहले ही बताए थे आपको बताएंगे
कब यहाँ पर जारी होने वाला रिजल्ट। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट होली से पहले जारी किया जा सकता है, होली से पहले जारी किया जा सकता है, जानकारी बिहार बोर्ड के पटना समिति से पता चला है। सबको यह जानकारी है कि हर साल की भांति नए नए रिकॉर्ड जो बिहार बोर्ड है, नए नए रिकॉर्ड जो है ना जो है बनाता रहा, अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ता है। इस बार जो है ना, जो है यहाँ पर कॉपी जांच भी 25 तारीख से शुरू हो जाएगा, 25 तारीख से कॉपी जांच शुरू होगा, देता है मार्च में ही, और सबसे पहले रिजल्ट देगा। इसलिए जो है ना, वीडियो को सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी जानकारी और आपको प्राप्त करना है तो आप लोग बिहार सेंटर सर्च करके यहाँ पर आकर आराम से पूरा डिटेल में इसका जानकारी दिया गया, आप यहाँ आकर आराम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।